पीटीआर से एक बड़ी खबर है। बेतला नेशनल पार्क के पालतू नर हाथी काल भैरव को जंगली हाथियों ने मार डाला है। काल भैरव को बेतला नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार से 8 किलोमीटर दूर पलामू किला के पास जंगलों में रखा जाता था। घटना सोमवार देर रात्रि की बताई जा रही है। मंगलवार की सुबह वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। माना जा रहा है कि बंधे होने के कारण पालतू हाथी ना तो भाग पाया और ना ही जंगली हाथियों का सामना कर पाया। काल भैरव को कर्नाटक से 2 साल पहले पलामू लाया गया था। वन विभाग के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की प्रक्रिया में जुट गए हैं। घटना के बाद पूरे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। रेंजर प्रेम प्रसाद ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। परवाड़ी से महज 10 किलोमीटर दूर बेतला नेशनल पार्क, जहां कल मध्य रात्रि एक काल भैरव हाथी की मौत हो गई है, जिसके बाद हम अभी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे डीएफओ कुमार आशीष से कि क्या पूरी घटना है और कैसे इसकी मौत हुई। सर, क्या घटना है और इसकी मौत कैसे हुई? यहाँ पर पास में हमारा हाथी का शेड है, इसके ये किला के नीचे। उस हाथी के शेड में हमारे 5 पालतू हाथी ये रह रहे थे। इसमें 3 फीमेल हैं, एक छोटा मेल है और एक तस्कर मेल काल भैरव था। कल रात लगभग 9:30 बजे 2 जंगली हाथी यहाँ पे आए। दोनों मेल और तस्कर थे। उन दोनों जंगली हाथी ने काल भैरव पर अटैक किया और उस लगभग 9:30 बजे की ये घटना है। और उस समय दोनों साइड पर 2 टावर बने हुए हैं, वहाँ पर हमारे 8 स्टाफ मौजूद थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि शोरगुल मचाया जाए और पटाखा चला के उस जंगली हाथी को भगाया जाए, परंतु वो लड़ाई ये चलती रही। और उस बीच जो है इस हाथी का चेन, जो कि एक चेन से था बना हुआ एक पेड़ से, और चेन टूट गया इसका, और दोनों हाथी इसको धकेलते हुए यहाँ पे ले आए करीब 200 मीटर दूर। फिर हमारे स्टाफ ने रेंज में जानकारी दी और वहाँ से 20 और स्टाफ यहाँ पे पहुँचे, और सभी स्टाफ यहाँ से 50 मीटर पीछे की स्थान पर खड़े थे और वहाँ से काफ़ी शोरगुल किए और काफ़ी पटाखा चलाए, लेकिन दोनों जंगली हाथी यहाँ से नहीं हिले। और लगभग 10:30 तक जो है लड़ाई चली और उसमें जो है काल भैरव जो है बुरी तरह जख्मी हुआ। इस फिर मुझे इसकी जानकारी मिली, मैं 11:30 बजे यहाँ पहुँचा, तो उस समय काल भैरव की मृत्यु हो चुकी थी। काल भैरव की मृत्यु जंगली हाथियों की लड़ाई से हुई है और आगे देखना है ये क्या है पूरा मामला। लातेहार से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, कैपिटल न्यूज़।